पहली क्लास में ऐसा बॉडी साइड में थी, उसके पैर थे यहाँ पे, ओपन नहीं थी बॉडी, बॉडी ढकी हुई थी, लेकिन भाई बॉडी ढकी हुई है, बॉडी खुली हो, बॉडी बॉडी है यार, माय फर्स्ट जेड एनाटॉमी क्लास। तो ये है स्टोरी टेलिंग का एपिसोड नंबर 2 और माय नेम इज लोकेश राउत एंड आई एम अ थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट ओरिनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड दिस इज माय चैनल। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और अपने स्टार्ट कर दे। तो मेरा एनाटॉमी, जैसे आपको पता है कि एक इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट या फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट हो, दोनों लोग के लिए एनाटॉमी एक बहुत एक टफ सब्जेक्ट होता है। सभी तुम लोग के सीनियर्स बोलेंगे कि एनाटॉमी टफ है, ऐसा है वैसा है, तो हम लोग को भी अपने हमारे सीनियर्स ने बोला था कि एनाटॉमी टफ है, पढ़ना पड़ता है बहुत ये वो। तो एनाटॉमी का हमारा पहला क्लास था, उसके 2-3 दिन पहले हमने सीनियर से बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि तुमको बोन्स का पूछेंगे ये वो, ठीक है। तो मतलब उन्होंने ऐसा हमको बोला था बताएंगे बताएंगे। तो इसमें क्या है, जो कुछ टीचर्स होती है जो पहले आपको एक्सप्लेन करती है, और कुछ टीचर्स ऐसी होती है जो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देती है। तो हमको लगा कि डायरेक्टली थोड़ी पूछेंगे, एक्सप्लेनेशन होगा उसके बाद में, हम लोग पढ़ के जाएंगे अगली क्लास में पूछेगी सेकेंड क्लास में। तो गए भाई हम लोग फर्स्ट क्लास एनाटॉमी का, और इस वाले केस में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे मेरे को एक बॉडी, डेड बॉडी होती ना, उसके पास में बिठा के मेरे को एग्जाम देने लगाया गया। तो सबसे फर्स्ट इंटरेक्शन ये था, हम लोग क्लास में गए, फिर सर आए, मेरे को सर थे, और फिर सर ने बोला कि आज किन बच्चों की ड्यूटी है वो लोग ये लेके आओ, बोन्स लेके आओ, ठीक है। फिर मेरे को हमको समझाया कि ड्यूटी क्या होती है। उसके बाद में सर ने बोला कि कोई 2 बच्चे जो है वो बोन्स लेके जाओ, उस रूम में रखे हुए हैं। उसके बाद में फिर मेरे को समझाया गया कि हर दिन 2-2 बच्चे की ड्यूटी लगाई जाती है, इसमें वो लोग 2 बच्चे पूरा काम करते हैं, ठीक है, सामान लाने से रूम को पोछना वोछना, रूम को पोछना वोछना। तो ये सब एक एनाटॉमी डिपार्टमेंट के रूल्स पे मैंने एक वीडियो बनाई है, यहाँ आ रहा होगा, ठीक है, वो देख लेना। और फिर वो बंदे बोन्स लेके आए, उसके बाद में सर ने उस पॉलिथीन या जो भी जिसके अंदर बोन्स रखे हुए थे वो बोन्स ला के टेबल पे पूरे बिखरा दिए। तो जो भी है आपका लंबर, ठीक है, थोड़ा से एक सर्विक्स, इसके सिंगल सिंगल बोन्स होते हैं, ठीक है, T1, T2, T3, ठीक है, L1, L2 लंबर का। तो ये सब सेम ही दिखते हैं, मतलब अभी तो जब स्टार्टिंग में मुझे तब आपको सेम दिखते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे आपको उसका फर्क समझेगा, ठीक है। वो बोन्स लाके ऐसे टेबल पे बिखरा दिए, और क्वेश्चन सर ने पहले पूछा मेरे को, सबसे स्टार्टिंग में मेरा मेरे को क्वेश्चन पूछा गया। तो सर ने मेरे को एक हाथ में ये दिया, स्टर्नम दिया, उस स्टर्नम को एक्सप्लेन करना था, ठीक है, उसका जो हेड होता है, एक बॉडी होती है, ठीक है, उसको हेड को मैनुब्रियम बोलते हैं, उसके फिर नीचे का मेन स्टर्नम होता है, उसको फिर नीचे एक वी शेप होता है। तो फिर मेरे को सबसे पहले सर ने एक स्टर्नम दिया, तो फिर मेरे को हम लोग, मैं पढ़ के तो नहीं गया था और मैंने स्टर्नम पहली बार हाथ में लिया था भाई, लेकिन इतना आइडिया था मेरे को कि वो स्टर्नम है करके। लेकिन स्टर्नम में भी बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, उसमें भी बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं, फोसाज होते हैं, जिसमें रिब्स आपकी अटैच करती है 1 और 2, ठीक है, तो और बाकी रिब भी अटैच करती है, जो मैनुब्रियम है उसमें आपकी जो ऊपर की रिब्स है वो अटैच करती है। ये सब मेरे को पता नहीं था, अब बता रहा हूँ बस मैं इसी। तो मेरे को सर ने स्टर्नम दिया और बोले कि बताओ ये क्या है, एक्सप्लेन करो। मेरे को तो फिर पसीना छूट गया एकदम, मैंने बोला कि सर ये स्टर्नम है, और फिर सर बोले कि हाँ स्टर्नम, आगे बताओ। मैं क्या आगे क्या बताओ यार, स्टर्नम है, इसमें क्या बताएगा आदमी ज्यादा ज्यादा। उससे बाद में फिर सर ने बोला, मैं बोला कि सर इट इज अ बोन, इट इज अ स्ट्रांग बोन। उसके बाद में सर ने थोड़ा फिर मेरे पे चिल्लाई दिया कि ये क्या बता रहे हो, बोन स्ट्रांग बोन। फिर जो साथ में जो मेरे ग्रुपमेट्स थे उनके पास बुक्स थी, उन्होंने थोड़ा थोड़ा हेल्प करके फिर ऐसा बोला मैनुब्रियम ऐसा वैसा, फिर मेरे को पता भी था मैनुब्रियम क्या होता है। मैंने मैनुब्रियम बोला तो सर को पता चल गया कि किसने बताया इसको। तो सर ने बोला कि हाँ मैनुब्रियम तो कहाँ, कौन सा मैनुब्रियम, इसमें मैनुब्रियम कहाँ है। फिर वहाँ मेरे पूरे लग गए और मेरे को कुछ आया नहीं। बाद में फिर बाकी दूसरे बच्चों का भी हुआ, उनको भी ऐसे ही सीन, एक को बुलाया टेबल पे, बोले कि इसमें से T2 बताओ। यार सब सेम ही दिख रहे थे यार, T2 लंबर वो थोरैसिक सर्वाइक्स सब सेम ही दिख रहा था, उसमें से कैसे पहचानेगा आदमी टीटू क्या है। वो बंदा गया और कैसे तैसे उसने इमेजिनरी उसके मन में जो है उसने उठा लिया, ठीक है, उसने उठाया और फिर ऑब्वियसली गलती था। इतने सारे बोन्स है लगभग उसमें 15 से 20, 12, 7, 5 लगभग 20 से 25 पीसेस पड़े हुए थे, उसमें से उसको एक टीटू उठाना था, वो कैसे उठाएगा फर्स्ट क्लास में।
उसके बाद में ये सब हुआ, फिर एक टेस्ट हुई, एक वाइट पेपर निकालो, उसमें मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, उसके बारे में आंसर करना। फिर एक जो आपका हॉल होगा एनाटॉमी जहाँ पढ़ते हो, एक ऐसा बेंच होता है, एक ऐसा बेंच होता है, एक ऐसा बेंच होता है, जनरली एक ऐसा और ऐसा ही बेंच होता है, ये वाला बेंच मोस्टली नहीं होता। अब हम लोग लगभग 16 बच्चे थे और मैं थोड़ा लेट आया वो रूम में, ठीक है, मैं और दो तीन बंदे, यह जगह कैप्चर हो गई, इधर बंदे बैठ गए, यहाँ पे भी एक बेंच था लेकिन यहाँ पे बॉडी रखी हुई थी, तो लड़कियां तो बैठी ही नहीं वहां पे, ठीक है, और बॉयज भी नहीं बैठे, साला कोई क्यों बैठेगा भाई बॉडी के पास पेपर देने, वो भी फर्स्ट क्लास में। उसके बाद कोई जगह खाली थी नहीं, मैं वहां की जाके बैठ गया उस बेंच पे, और मैं जाके बैठा। उसके बाद में फिर बाकी दो बंदे, मतलब बॉडी थी ऐसी, ठीक है, जैसे फोटो, ये फोटो है देख लो, ये वाली फोटो, ऐसी बॉडी थी, उसके पैर के पास में मैं बैठा था और मेरे साइड में फिर दो तीन बंदे बैठे थे। और जब भी बॉडीज रखी जाती ना, उसका एक भयानक स्मेल नहीं आता, बॉडी सड़ती तो है लेकिन उस पर केमिकल्स डाले, फॉर्मेलिन डाला रहता है, एक तो बहुत गीला होता है वो सब, और फॉर्मेलिन जो है ना वो आँख में ऐसा चुभता है, जब आपकी आँख में वो उसका जो केमिकल जब जाता है ना, उड़ता है ना वो केमिकल, तो ऐसा बहुत बेकार चुभता है, आपकी आँखें खुली नहीं रह सकते आप लोग, ऐसा है। स्टार्टिंग में दो तीन क्लास में रख पाओगे लेकिन धीरे धीरे आदत जाएगी। उसके पैर के पास फिर मैं बैठा था और फिर बॉडी राइट में, और मैं पेपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, और मेरे को पसीना छूट रहा हूँ, ऐसा देखो क्या है, कितना भी मैं लड़का भी हूँ फिर भी भाई डर लगता है ना भाई, शायद में एकदम पहली क्लास में ऐसा बॉडी साइड में थी, उसके पैर थे यहाँ पे, ओपन ही थी बॉडी, बॉडी ढकी हुई थी, लेकिन भाई बॉडी ढकी हुई है, बॉडी खुली हुई, बॉडी बॉडी है बस। और फिर मैं पसीना छूटते उठते कैसे तैसे मैंने पेपर देख के फिर वहां से हटा। उसके बाद में थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं पेपर देने में इतना वो हो गया कि मेरे को फिर आइडिया नहीं था कि अपने साइड में बॉडी है। फिर मैंने पेपर सबमिट किया, उसके बाद में क्लास से सब सर बाहर निकले, और फिर मैंने ये फोटोज है ना जो दिखा रहा हूँ तुम लोग को, फिर ये मैंने फोटोज ली अच्छे से, मैंने एक को बोला कि फोटोज ली इसके साथ में, ठीक। तो मैंने तब भी सोचा था कि मैं कोई वीडियो बनाऊंगा इस पर, मेरा पहला ऐसा एनाटॉमी क्लास, लेकिन अब आई एम रनिंग आउट ऑफ कंटेंट, तो मेरे को ये सब स्टोरी टेलिंग ये सब करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी कुछ है ही नहीं मेरे पास। जब मैं वापस उधर जाऊंगा तब तो बहुत सारा धड़ाधड़ वीडियोस पोस्ट करूंगा, ठीक है, डेली के ब्लॉग्स, डेली का आपको बाहर दिखाऊंगा, आपको हॉस्टल दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा, ठीक है। तो मेरी फ्लाइट 2 अक्टूबर को है, उसके बाद मतलब कुछ दिन क्वारंटीन रहना है, ऐसा सुना है मैंने कि लगभग 14 दिन क्वारंटीन भी रहना है, तो देखते हैं कैसा क्या होता है। और ऐसा कुछ सीन है, ऐसा नहीं होता ऐसा हर आपके साथ भी पहले क्लास में ऐसा ही हो ऐसा नहीं है, कुछ टीचर्स जो होती है ना थोड़ी सी हेल्प करती है, पहले आपको एक्सप्लेन कर दे, लेकिन कुछ जो टीचर्स होती है ना वो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। माना ऐसा जाता है अपने आप पे कि अगर आपको कल एक चीज पढ़ाने वाले है, अगर आपको पूरी बॉडी की या हाथ की या एक आपका थोराक्स एब्डोमेन या जो भी है अपर बॉडी के अगर बोल्स पढ़ाने वाले हैं, तो आपका काम है उसको एक दिन पहले ही पढ़ के आना है, यही वहाँ पे स्टडीज चलती है, आपको एक दिन पहले ही पूरा पढ़ के आना पड़ता है। एक हाँ मेरी तो एक ऐसी सीनियर थी, उसका एक्सपीरियंस सुना मैंने, तो उनको शालिका मैम थी, शालिका मैम को पता नहीं होगा, शालिका मैम इज द बेस्ट एनाटॉमी टीचर इन ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बाकी यूनिवर्सिटीज का पता नहीं, लेकिन मैं 100% ये बोल सकता हूँ कि वो बाकी यूनिवर्सिटीज में भी अगर एज कम्पेयर करें तो वो बेस्ट ही होगी, शालिका मैम बेस्ट है। शालिकोवा मैम हमको तो मिली नहीं थी क्योंकि टीचर्स शालिकोवा मैम पहले जो है ना 16 ग्रुप में से 8 ग्रुप लेती थी, 8 ग्रुप्स शालिकोवा मैम लेती थी, लेकिन शालिकोवा मैम फिर थोड़ा बिजी होना स्टार्ट होगी, उनका फ्यूचर वो आगे पढ़ना उन्होंने स्टार्ट किया और कुछ फैमिली उनके थोड़ा बड़ी, तो इस कारण उनको इस साल उन्होंने सिर्फ 2 ग्रुप लिए थे हमारे टाइम में, और वी वर नॉट दैट लकी टू गेट इनटू दैट 2 ग्रुप, ठीक है। वो दो ग्रुप में मेरा ग्रुप नहीं था, हमको कोई दूसरे सर मिले थे, तो अगर आपको शैली को मैम मिलती तो आप बहुत लकी हो, लेकिन आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, और वो पढ़ाती भी ऐसी है। तो मेरी जो फ्रेंड थी उनको शैली को मैम मिली थी, तो वो बता रही थी मेरी फ्रेंड की शैली को मैम ने इतना बेकार बोला था उनको, मतलब गाली वाली नहीं दी थी, लेकिन ऐसा बोला था कि तुम ऐसे नहीं क्या, तुम लोग क्यों आ जाते हो यहाँ पे, तुम लोग पढ़ते नहीं, मतलब तुम्हारी पूरी ऐसी लाइकी निकाल दी थी ऐसे शैली को मैम ने अच्छे तरीके में कि पढ़ा करो, पढ़ते क्यों नहीं, ऐसे आ जाते हो क्लास में, तो ऐसा सीन को शालिको हमने किया था। तो ये सब चीजें हैं, अगर आप लकी हो तो आपको शालिको में मिलेगी, नहीं तो आपको डीएनआर में मिल सकती है, ठीक है, या आपको तीतो सर मिल सकते हैं, तो आपके अभी लक पे है। ऐसा कुछ नहीं कि भैया हमको क्या करना पड़ेगा शालिको में आने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है,
वो रैंडमली जब आपके ग्रुप बनते हैं 1 से 16 तक, जैसे आप अभी जब जूनियर आएंगे तो 101 से लेकर 116 या 117 जितने बच्चे उसने ग्रुप्स के हिसाब से बनेंगे, एक ग्रुप में लगभग 17 से 18 बच्चे होते हैं, तो अगर वो फिर वहाँ पिक एनाटॉमी डिपार्टमेंट फिर पिक करते कि मैम को कौन सा ग्रुप चाहिए, अगर आप मैम ने आप ग्रुप पिक कर लिया वो दो ग्रुप में से तो आप लकी हो, मतलब प्रोबेबिलिटी समझ लो ऐसा है 1/8 है, 1/8 की प्रोबेबिलिटी वाला चक्कर है, मतलब 12.5% आपका चांस है कि आपको शालिकॉम मिले, बाकी टीचर्स भी अच्छी है। ठीक है, तो ये थी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। Let me go passing by.